जिला कोटली के शहरियों के लिए अच्छी खबर, आवाम को एक और सहूलत मिल गई। कोटली में सिकंदर हयात स्पोर्ट्स स्टेडियम में कौमी बचत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। कौमी बचत सेंटर का इफ्तिताह वजीर हायर एजुकेशन जफर मलिक ने फीता काट कर किया। इफ्तिताही तकरीब में डिवीजनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स सरदार यासीन, चेयरमैन KDA चौधरी महबूब, रिटायर्ड जस्टिस मोहम्मद इसहाक, डिप्टी कमिश्नर कोटली अमजद मुगल समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। कौमी बचत सेंटर के स्टाफ ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। वजीर हायर एजुकेशन जफर मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में आवाम को मजीद सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। उन पैसों के असूल के लिए यहाँ से इस्लामाबाद, मीरपुर और रावला कोट दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था और लोगों का ये एक बड़ा मुतालबा था कि हमें कोटली के अंदर नेशनल सेविंग सेंटर का क्याम अमल में लाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी हो सके। और उसमें उस वक्त मैं उन लोगों का नाम भी लेना ज़रूरी समझूंगा, आज वो मुलाजम GPO के से रिटायर हो चुके हैं। उसमें इस मसले को हाईलाइट करने के लिए जावेद साहब जो उस वक्त GPO के मुलाजम थे पोस्ट ऑफिस कोटली में, जिन्होंने फिक्स कराए हुए थे, वो उनके उनका टाइम मैच्योर हो चुका था और लोगों को उन पैसों के असूल के लिए यहाँ से इस्लामाबाद, मीरपुर और रावला कोट दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था और लोगों का ये एक बड़ा मुतालबा था कि हमें कोटली के अंदर नेशनल सेविंग सेंटर का क्याम अमल में लाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी हो सके। और उसमें उस वक्त मैं उन लोगों का नाम भी लेना ज़रूरी समझूंगा, आज वो मुलाजम GPO के से रिटायर हो चुके हैं। वुज़रा का काम होता है अहकाम जारी करना, असल जो टीम होती है वो फील्ड ऑफिसरान होते हैं। मैं आज वो डायरेक्टर जो जिन्होंने इस मामले में अहम किरदार अदा किया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आफ्ताब साहब का ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए आज कोटली के लोगों का एक जो दरीना मसला था उसको हल किया। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का मैक्सिमम हिस्सा जो हमारे साथ वो लिखा है, वहाँ के लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे। उनकी जानब से डिस्ट्रिक्ट सुदनुती का मैक्सिमम हिस्सा जो कोटली के साथ जिनके आना जाना रहता है, जिन जो शहर कोटली आते हैं, जो हॉस्पिटल में कोटली आते हैं और इसी तरह वो नेशनल सेविंग सेंटर से भी इस्तिफादा हासिल करेंगे, उनकी जानब से मैं वफाकी हुकूमत और डिपार्टमेंट, आफ्ताब साहब आपका, आपके डायरेक्टर जनरल और तमाम जुमला अफिसरान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कौमी बचत सेंटर के क्याम से शहरियों को रकम बैंक में रखवाने की सूरत में इजाफा जात समेत पेंशनर्स के लिए सहूलियात भी मैसर होंगी।